ये गीज़र की इन्होंने मुकम्मल शेप दे दी है इसको, और इसके ऊपर पेंट वगैरह कर दिया है। ये एक तरह का ढांचा जो है गीज़र का तैयार हो गया है। अब इस गीज़र के ढांचे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह किस तरीके से और गेजे वगैरह किस तरीके से लगाई जाती हैं ठंडे और गर्म पानी के लिए, तो ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हैप्पी व्लॉग, में आपको हैप्पी हैप्पी खुशामदीद। आज हम जनाब जिस कारखाने में आए हैं आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ये गीज़र वग़ैरह जो है कैसे तैयार किए जाते हैं और इनकी तैयारी किस तरह मुमकिन है। ये देखने में आपको दिखा रहा हूँ ये गीज़र जो है ना इस वक्त तैयार होकर पड़ा हुआ है, इसके तैयारी के लिए क्या क्या मराहिल होते हैं। आज का व्लॉग हमारा इसके ऊपर ही है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। भाई जान क्या हाल चाल हैं? ठीक है शुक्र अल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। ये जनाब इधर जो है ना गीज़र तैयार करते हैं जनाब मोहम्मद उमैर साहब, ये हमें बताएँगे कि गीज़र की तैयारी जो किन किन मराहिल से होकर कंप्लीट होती है, तो जनाब हमें बताइएगा थोड़ा गीज़र के हवाले से। ये 22 गेज की चादर होती है, फिर इसके ये खोल बनता है, ठीक है। उसके बाद ये कवर बना के इसको पेंट किया जाता है और उसके बाद इसकी दूसरी सारे सेटिंग की जाती है, टैंकी बनती है, टैंकी बना के इसको कम्प्लीट करते हैं और इसका सामान भी बड़ा वो दिखाते हैं। ये जनाब गीज़र की तैयारी के लिए सबसे पहले जो है ना ये एक शीट ली जाती है, ये शीट जो है 22 गेज की होती है, ये लोहे की शीट होती है। इस शीट को जो है ना जी मोल्ड करके मशीन के ज़रिए और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए इसको जो है ना जी ये गीज़र की शेप दे दी जाती है। भाई जो है इस शीट को जो है गोल करके अभी आपको दिखाएंगे, ये गीज़र की शीट है और इस मशीन में जो है इस गाय में ये गोल होती है, ये भाई जो है इसको गोल करने की तैयारी में है कि कैसे इसको जो है ना गीज़र की बॉडी और शेप में दिया जाता है। ये देखे जी ये गोल होके इस साइड से ये प्रेस होके निकल रही है, ये गुलाई में कैसे प्रेस हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। गीज़र की बाड़ियों को किस तरीके से मशीन के ज़रिए प्रेस करके गोल किया जाता है ये यूट्यूब की तारीख में पहली बार आपको दिखा रहा हूँ। देखें जी ये भाई जो है इधर इनकी साइजिंग वगैरह सही करके इस मशीन की और इस बाड़ी को गुलाई दे रहे हैं, ये गुलाई की शक्ल में अपने आप बनती जा रही है इसके अंदर। ये देखिए जी ये इस मशीन का कमाल है, इस भाई का फन है, इस मशीन के ज़रिए ये गीज़र की बॉडी तैयार कर लेते हैं। इस शीट एक सिंपल सी शीट के ज़रिए जो है प्लेन शीट के ज़रिए इसको एक गीज़र की शेप में तैयार कर लिया जाता है जी। हमारे कारीगर जो है जी बहुत माहिर हैं, टेक्निकल है, ये हर किस्म का काम सर अंजाम दे लेते हैं। ये देखिए जी ये इस वक्त जो है बॉडी मुकम्मल तौर पर गोल हो चुकी है और ये इस गीज़र के साइज़ की बन चुकी है। और अकसाम के गीज़र की बाड़ियाँ इधर बन के तैयार हुई पड़ी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। सारी इन्होंने जो है ना पेंट करके कलर करके यहाँ पर रख दी हैं, ये इनके अंदर सिर्फ जो है ना जी अब सिस्टम फिट होना बाकी है। इन बाड़ियों को दिखा रहा हूँ ये गीज़र की इन्होंने मुकम्मल शेप दे दी है इसको और इसके ऊपर पेंट वगैरह कर दिया है। ये एक तरह का ढांचा जो है गीज़र का तैयार हो गया है। अब इस गीज़र के ढांचे के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह किस तरीके से और गेजे वगैरह किस तरीके से लगाई जाती हैं ठंडे और गर्म पानी के लिए, तो ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। कि आप ये बिजली और गैस दोनों तरह के गीज़र बनाते हैं जी सर, तो हमें बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। सर ये आपको बता रहे हैं, ये एलिमेंट होता है सर, ये बिजली वाला होता है, ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है और ये इसका सामान वगैरह सब ये सामान रखा हुआ है, खुद हम गीज़र बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी काफ़ी वैरायटी वगैरह होती है कंप्लीट करने के लिए और उसके छोटा मोटा सामान। गीज़र की गेजे वगैरह पड़ी हुई हैं, ये गेजे गीज़र के अंदर इस्तेमाल होती है, इस गेज के ज़रिए टेम्परेचर का पता चलता है कि टेम्परेचर इस वक्त पानी का क्या चल रहा है, तो ये गेज वगैरह लगाई जाती है। ये गीज़र का थर्मोस्टेट पड़ा हुआ है, ये गीज़र में इस्तेमाल होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए थर्मोस्टेट है। और ये एलिमेंट है, ये गीज़र के अंदर जो है ना पानी को गर्म करता है,
तो इन चीज़ों का ये इस्तेमाल करके ये गीज़र तैयार करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गीज़र का मुकम्मल सामान इस वक्त जो है ना ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसमें जो है ना ये मेन टैंकी होती है गीज़र की, ये देखे जी ये टैंकी होती है, इसमें जो है ना पानी जाता है और पानी जो है गर्म होता है। ये उसका बर्नर है गीज़र का, बर्नर जो है इसको गर्म करने में मददगार साबित होता है। और इस तरह ये मैंने आपको बताया है कि ये गेजेस वगैरह और मुख्तलिफ जो है ना टेम्परेचर की सुइयाँ वगैरह जो है इधर रखी हुई है। भाई उमैर साहब जो है ना जी हमें बताएंगे कि जो है ना अब इसकी तैयारी किस तरह मुमकिन होती है गीज़र की, ये सारा मैं सर थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा गीज़र के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम सर, ये होता है बिजली वाला गीज़र होता है, ठीक है, ये गैस वाला, ये एलिमेंट इसमें फिट करते हैं, ये सड़क के साथ गर्म पानी होता है, ये बिजली पर चलेगा, ठीक है। अब इसमें सिस्टम होता है और गैस और बिजली का, ये इधर लगेगा बिजली गैस पे हो जाएगा। ये सब इसका सामान पड़ा, बंडल वगैरह, लाइट वगैरह, इसके पाइप वगैरह, चूल्हा, ये कवर। अच्छा सर, ये गैस पे और जो है बिजली पे चलने वाले गीज़र में क्या फ़र्क है ये ज़रा बताइएगा। फ़र्क ये बिजली पे 15 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, गैस पे रखते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा। और बनाने और तैयारी करने में क्या फ़र्क होता है, क्या क्या चीज़ आप गैस वाले में लगाते हैं और क्या चीज़ जो आप बिजली वाले में लगाते हैं? एक सिस्टम टैंक यही होती है, इसमें प्लान चेंज करते हैं, वो बिजली पे हम करना पड़ता है। अच्छा जी, देखिए जी फाइनल में ये एक गैस वाला गीज़र और एक बिजली वाला गीज़र बन के तैयार हुआ पड़ा है। ये मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये जो है जी बिजली वाला गीज़र है, ये बिजली पे चलता है इस वक्त जो है ना, मुकम्मल तैयार है ये। और ये वाला जो गीज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये गैस वाला गीज़र है, इसके अंदर ये देखें जी गेजें वगैरह लगी हुई हैं, एडजस्टमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये जो है ये गैस वाला गीज़र है और ये भी इस वक्त मुकम्मल तैयार होकर पड़ा हुआ है। ये इन कारीगरों का कमाल है, ये अपनी मेहनत से और कारीगरी से ये चीज़ें सारी तैयार करते हैं इस कारखाने में। मुकम्मल बन के तैयार हो गया हुआ है, इसके ऊपर पैकिंग भी कर दी हुई है, इसके ऊपर पन्नी भी चढ़ा दी है, मुकम्मल अपनी फाइनल कंडीशन में है जी। ये देखिए इन्होंने मुख्तलिफ गीज़र रखे हुए हैं, ये मुकम्मल तैयार पड़े हुए हैं। बताइए कि जो लोग आपके पास जो है ना इधर गीज़र की ख़रीदारी के लिए आते हैं, चाहे वो होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, आप उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट का पैकेज आप देते हैं उनको? सबको लेस करते हैं, बाजार में भी देते हैं, कस्टमर भी आते हैं, सबको लेस करके हम देते हैं गीज़र, या ये अच्छे बनाते हैं। माशाल्लाह जी, तो जनाब इनकी मेहनत और इनकी कारीगरी को हमारी तरफ से सल्यूट है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।